an event to be, and as a biker, I think everyone should come here and experience the madness. Because हम लोग बोलते हैं कि यार अभी इंडिया में राइडिंग कल्चर नहीं है, बाइकिंग कल्चर नहीं है, ज्यादा इवेंट्स नहीं होने हैं. तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जितने ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसको ग्रैंड बनाएंगे, तो ऐसे इवेंट्स बार बार होंगे. क्या पता आईबीडब्ल्यू एक साल में दो बार हो जाए. इमेजिन दैट. सो हेलो गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू एसएस फिल्म्स. सो गाइस, आज है हमारी राइड का फोर्थ डे, यानी कि चौथा दिन. और फिलहाल मैं रेडी होके ब्रेकफास्ट करके बैठा हूँ अपने कमरे में, और मेरे बाकी जो दोस्त हैं वो सारे गए हैं ब्रेकफास्ट करने. जैसे ही वो आते हैं तो हम निकल जाएंगे अपनी राइड के लिए, मतलब कि आईबीडब्ल्यू. तो आज हम वहाँ एक्सप्लोर करेंगे जो विंटेज बाइक्स है उनको, और कावासाकी का जो वहाँ पर स्टॉल है उसको देखेंगे. हार्ली डेविडसन ने अपना रोडस्टर जो है वो लॉन्च कर दिया है, उसको देखेंगे. और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जिनको हम कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड और बने रहिए वीडियो के साथ, और काफ़ी एंजॉय करेंगे और बहुत ही मज़ा करेंगे. तो मिलते हैं सीधा बाइक पे. फाइनली मैं आ चुका हूं अपने बाइक पे, और हमारी पूरी जो टीम है वो निकल चुकी है राइड के लिए. तो सबसे पहले सारी बाइकों में करवानी है फ्यूलिंग, और फ्यूलिंग करवा के फिर हम निकलेंगे आगे सीधा एमबी वैली के लिए. और पूरा दिन चिल मोड ऑन रहेगा. बुजा के साथ पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग ही हो गई. तो हम जस्ट अभी पहुंचे हैं यहाँ पर एमबी वैली, और यहाँ पर हो रही है बाइक की परेड. और पूरा लाइनअप देखिए. सो माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस, और बहुत ही मजा आ रहा है, अनबिलीवेबल. और थोड़ी देर में परेड शुरू होगी और फिर हम सब करेंगे रॉक. सो गाइस, यहाँ पर हो चुके मेगा रैली की स्टार्टिंग, और सब लोग काफी एक्साइटेड. बहुत ही अनबिलीवेबल फीलिंग, बहुत ही बढ़िया. सारी बाइकें रोअरिंग करती हुई, और सारे राइडर्स टोटली फुल्ली एक्साइटेड. यहाँ पर हो रही है हमारे ग्रुप की एंट्री.
ड्रिफ्टिंग जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट लुक एट के डेंट में। यहाँ पर है कावासाकी की Z650 RS जो कि कल ही अनवील हुई है। जस्ट लुक एट दिस बाइक। और अब हम देखने जा रहे हैं निंजा ZX-10R 2022। दोनों ही बाइक के अमेजिंग है और माइंड ब्लोइंग है। मुझे तो बहुत मजा आया देख के और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कावासाकी Z650 RS ऑन रोड। यहाँ पर मुझे एक और बाइक दिख गया है, कावासाकी वर्सेस 1000 जो कि कावासाकी का स्पोर्ट्स टूरर है। चलिए देखते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं विंटेज बाइक के कलेक्शन को देखने, क्योंकि आपने आई डोंट थिंक सो कि आपने कहीं देखी होगी ऐसी बाइक्स। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट लुक एट दिस बाइक्स। एक ऐसी बाइक जो कि मैंने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी है और मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। जस्ट लुक एट दिस बाइक। कैसी लगी बाइक? होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो भी ऐसी बाइक्स देख सके। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर लो यार, इसमें क्या है, फ्री में, कोई खर्चा तो है नहीं। अब देखो हार्ली की स्पोर्ट्सटर एस जो कि कल ही हार्ली ने अनवील की है। जस्ट लुक एट दिस बाइक, माइंड ब्लोइंग। मुझे बहुत पसंद आ गई है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं
की स्वंजीत पाजी जो कि मुंबई से, उनका बाइक का कलेक्शन, जस्ट लुक एट दिस। सो गाइज, फाइनली आज पूरा दिन इवेंट में बिता के हम जा रहे हैं अपने होटल को। अब वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे या डिनर करेंगे और थोड़ी गपशप मारेंगे, क्योंकि जब बहुत टाइम बाद सारे यार मिले हैं तो गॉसिप तो बनती है, तो चिल करेंगे। होप कि आपको भी मज़ा आया होगा आज। सो गाइज, फाइनली IBW का जो इवेंट है वो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होते ही हम वापस आ चुके हैं अपने होटल पे और अब लेंगे लंच, आई एम सो सॉरी, और अब लेंगे डिनर, और डिनर करके हम अच्छी से नींद लेके सो जाएंगे और सुबह को जल्दी उठ के जाएंगे और जितना हो सके उतना कवर करेंगे, और बाद में अगर रात हो गई तो सो जाएंगे। सो होप कि आज का जो व्लॉग है वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है, आपने भी किया ही होगा मेरे साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, क्योंकि अगर आप सपोर्ट देते हो तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। सो गाइज, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।